नमस्ते छात्रों, विषय हिंदी संयुक्त में व्याकरण का वाक्य के भेद आज देखना है। वाक्य में देखो क्या कहते हैं, वाक्य को शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को व्याकरण कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो, यानी एक शब्दों का जो समूह है वह समूह बनकर क्या बनता है, वाक्य तैयार होता है, और वह वाक्य बनने के बाद उस वाक्य से एक प्रकार का विचार प्रकट होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, समय बहुत बलवान है, यह एक वाक्य तैयार हो गया। अभी आपको अपने को देखना है कि वाक्य के भेद, वाक्य के भेद में दो प्रकार के वाक्यों के भेद होते हैं, एक रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार, यानी रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार के भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इस प्रकार से तीन वाक्य के भेद रचना के अनुसार होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के छह प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य, दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य और पांचवा प्रकार है विस्मयाधिबोधक वाक्य और छठवा प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। इस प्रकार के अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद आते हैं। यहाँ पर नौवीं और दसवीं के लिए जो पेपर में प्रश्न आता है वह प्रश्न क्रमांक तीन में छठवा जो पोर्शन रहता है, छठवा जो सब प्रश्न रहता है, उसमें इस प्रकार के वाक्य के भेद सिर्फ पहचानना पड़ता है। किसी भी प्रकार के आपको वाक्य के भेद करना नहीं है, सिर्फ वाक्य के भेद आपको पहचानना है। इसलिए आपको इस प्रकार के वाक्य के भेदों के जो नाम है यह नाम याद रखना है और याद कर उस प्रकार से आपको वाक्यों के भेद पहचानना है। यहाँ देखो रचना के अनुसार वाक्य के भेद किस प्रकार से होते हैं, यहाँ देखेंगे। पहला जो प्रकार है सरल वाक्य, सरल वाक्य यानी क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, यानी एक प्रकार की एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, सचिन दिल्ली चला गया, यहाँ जाने की एक ही प्रकार की क्रिया हो गई और इसीलिए यहाँ पर इसे सरल वाक्य कहा गया है। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, एक वाक्य रहता है उसको दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, परंतु वह जुड़ने के लिए विशिष्ट एक प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे संयुक्त वाक्य कहा गया है। अभी वो शब्द कौन कौन से है, पहला शब्द यहाँ दिया हुआ है और, दूसरा परंतु, तथा, या, आदि, इसलिए और एक शब्द इसलिए। इस प्रकार से जो शब्द है इस शब्दों से वह दोनों वाक्यों को क्या कर देता है, जोड़ते हैं, और इस प्रकार से दोनों वाक्यों को जब जिस प्रकार से जोड़े हुए दिखाई देता है वो वहां पर अपने को कहा जाता है, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे बाबूजी को बाजार जाना है और वहां से जलेबियां खरीदनी है, यहाँ देखो बाबूजी को बाजार जाना है, यह एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य यहाँ पर है, वाक्य वहां से जलेबियां खरीदनी है, यह दूसरे प्रकार का यहाँ पर वाक्य हो गया। अभी यह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर और यह जो शब्द है यह इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए यह जो दूसरा जो वाक्य है यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। तीसरा मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य को ही मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान यानी एक वाक्य हो और उस पर आधारित दूसरा वाक्य वहां पर उस पर आधारित हो उसे यहाँ पर मिश्र वाक्य कहलाया जाता है। यहाँ पर देखो उदाहरण दिया हुआ है मिश्र वाक्य का, जैसे पारुल ने कहा था कि वह पचमढ़ी जाएगी, यहाँ पर देखो पारुल ने कहा था वह पचमढ़ी जाएगी, कि यहाँ पर देखो पारुल ने कहा था वह पचमढ़ी जाएगी, यहाँ पर पहला वाक्य हो गया पारुल ने कहा था, यह एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य उस पर आधारित है वह पचमढ़ी जाएगी, यानी यह जो दो वाक्य है इन दोनों वाक्यों को में किसी भी प्रकार की संयुक्तता नहीं दिखाई गई है और इसीलिए इसको मिश्र वाक्य कहा गया है। यहाँ वाक्य का पहला जो प्रकार है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद यह अपन देखेंगे, इसके बाद के पीरियड में अपने को देखना है अर्थ के अनुसार वाक्य के जो भेद है यह इसके अगले वीडियो पर दिया जाएगा।